नमस्कार, आप सबका मैं यहां स्वागत करता हूं। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, दोनों स्टेट्स के पीसीसी प्रेसिडेंट, दोनों स्टेट्स के इंचार्ज और हमारे सब सीनियर नेता का यहां स्वागत करता हूं। सबसे पहले झारखंड से आए हैं, पिछले 6-7 दिन हम झारखंड में रहे, झारखंड में बहुत अच्छी यात्रा हुई, तो मैं झारखंड की लीडरशिप को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत सफल प्रोग्राम झारखंड में करवाया। यहां उड़ीसा में आज आकर मुझे एक बहुत खुशी हो रही है, आपने इतने प्यार से मेरा यहां स्वागत किया, नफरत के बाजार में आपने मोहब्बत की दुकान खोली। 2 मिनट में मैं आपको यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं। पिछली यात्रा हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की, देश को जोड़ने का काम किया। और जो विजय भैया, भैया माइक ठीक नहीं चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो, आप ये सब मेरे भाषण के बाद करना, थोड़ा शांत हो जाए। तो हमारा लक्ष्य था कि कन्याकुमारी से कश्मीर चले और पूरे देश में जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ हमने यात्रा की और वो बहुत सफल यात्रा हुई, लाखों लोग हमारे साथ जुड़े। मगर उस यात्रा पे हमें दूसरे प्रदेश के लोग मिले, झारखंड से लोग मिले, उड़ीसा से मिले, वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट से मिले। उन्होंने कहा देखिए आपने कन्याकुमारी कश्मीर की यात्रा कर दी, मगर हमारे स्टेट का क्या होगा, हमारे यहां भी ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हमारे यहां भी लोग आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, हमारे यहां भी अन्याय कर रहे हैं, अदानी को जमीन दी जा रही है, तो आपको यहां से भी आना चाहिए। इसलिए इस साल हमने मणिपुर से महाराष्ट्र यात्रा की। मैं चाहता था कि यह भी पैदल यात्रा हो, मगर चुनाव का समय है तो पार्टी ने निर्णय लिया कि थोड़ा सा इस यात्रा में हम पैदल चलेंगे, मगर यह यात्रा बस से होगी और जीप से होगी। तो आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है, भारत को जोड़ने का लक्ष्य है। और जो 5 अलग अलग तरीके के अन्याय हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद करना, प्राइवेटाइजेशन, सामाजिक न्याय अन्याय जो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, और जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी ये यात्रा हमने शुरू की है। तो इसमें हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक शब्द जोड़ दिया है। अब मेरा लक्ष्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगले 2-3 दिन में हम उड़ीसा में होंगे, शाम को 15 मिनट ऐसा मेरा भाषण होता है, 7-8 घंटे हम उड़ीसा की जनता की आवाज सुनने आए हैं। जो भी हमसे बात करना चाहता है, बहुत सारे लोग समस्या रखते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, दलित आदिवासी पिछड़े लोग आते हैं, किसी की लोकल इशू होती है, जैसे आज सुबह हम आ रहे थे, किसी के वहां पे जमीन का मामला था, सरकार ने उनकी जमीन छीन ली थी, तो हमने वहां पे उनका मामला सुलझा दिया, ठीक कर दिया। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप जो भी कहना चाहते हो, आपके दिल में जो दर्द है वो आप हमें कहो। 7 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें बहुत सारे लोग हमारे कांग्रेस के हैं, बाकी लोग हैं, वो सेल्फी चाहते हैं, वो भी हो जाएगा आपका काम।